नाज़रीन, कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान का प्रोटोकॉल लेने से इनकार। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। साइलीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पर हर सूरत यकीनी बनाएंगे। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा, शुजात अली खान की जानिब से प्रोटोकॉल भी नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने गवर्नर हाउस में हल्फ उठाने के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया और बगैर प्रोटोकॉल के वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस शुजात अली खान ने गार्ड ऑफ ऑनर भी लेने से इनकार कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अव्वलीन तरजीहात ये हैं कि साइलीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है और इसके लिए हमें जिद्दत का सहारा लेना होगा। उन्होंने वादे किया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह आईटी में वो इंकलाब लेकर आए थे, उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे और आईटी से इस्तफादा करते हुए साइलीन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएंगे। जस्टिस शुजात अली खान ने यह भी कहा कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक एडीआर सिस्टम को भी हम बहाल करेंगे और मुकम्मल तौर पर, क्योंकि एडीआर सिस्टम के बगैर साइलीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता और इसलिए एडीआर सिस्टम की बहाली इंतहाई जरूरी है। तो इस मौके पर जस्टिस शुजात अली खान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम दिए साइलीन को बरवक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आईटी से इस्तफादा हासिल किया, तो उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने फराइज अदा करेंगे और पूरे पंजाब में साइलीन को उनकी मुश्किल कम करेंगे और तमाम जो इस हवाले से केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आईटी से रिलेट करके साइलीन को, ताकि उनको बार बार अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।